और इसकी आंखें तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और ये काफी ज्यादा तेज है। नीचे से फटाफट भाग के ऊपर आ गया। आज मैं एक दूसरे जू में विजिट करने आया हूँ। आज की वीडियो में मैं अपना जू नहीं दिखाने वाला, आज की वीडियो में मैं दूसरा जू दिखाने वाला हूँ। और जो ये वाला जू है ये काफी ज्यादा पुराना जू है और काफी पॉपुलर जू है और बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ दिन के लिए काम करने आ गया ताकि मैं यहाँ पे सीख सकूँ और देख सकूँ कि यहाँ पे जो है कैसे कैसे हैबिटेट बने हुए हैं और कैसे कैसे एनिमल्स को मैनेज किया जा रहा है और कैसे जू को जो है इतना प्रॉपरली चलाया जाता है। और अभी इस जू में मुझे कुछ टास्क करने पड़ेंगे, तो जब यहाँ पे आया हूँ तो कुछ काम भी करना ही पड़ेगा। तो आज इस जू में कुछ टास्क करते हैं और इस जू को पूरा देखते हैं और ये जू जो है कैसा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि मैं अपने जू में क्या क्या नया लगा सकता हूँ। तो इस जू की लोकेशन तो जंगल के बीचों बीच है और ये लेक के अंदर है, और लेक के अंदर यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये आइलैंड टाइप का सा बना हुआ है और यहाँ पे ये वाला जू है। और अभी इसकी एक बार एंट्रेंस पहले मैं देख लूँ, इसकी एंट्रेंस है यहाँ से। तो एंट्रेंस तो काफी ज्यादा सही है, थोड़ा सा ब्रिज बना रखा है ये वुड का और इस ब्रिज से सीधा यहाँ पे एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे जो है ये टिकट वाली मशीन लगी हुई है जहाँ से टोकन डाल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और इधर ये जोहा, जोहा शायद इस जू का नाम है। और इधर यहाँ पे ये पहले काउंटर लगा हुआ है, ये तो इन्फॉर्मेशन काउंटर है। ये मोमेंटो वगैरह मिलते हैं यहाँ पे और ये बैग वगैरह, और ये यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इधर जो है ये एंट्री करते ही पब्लिक वॉशरूम है, इधर एटीएम है। ये भी काफ़ी सही है, एंट्री करते ही पब्लिक वॉशरूम लगा दिया तो ये भी अच्छा है एक ऑप्शन। और यहाँ पे जो है एटीएम भी इधर की साइड ही लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, इधर ये यहाँ पे कोई सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप है, और इधर यहाँ पे ये अच्छा हैट्स वगैरह मिल रही हैं यार। हैट्स वाली शॉप तो काफ़ी सही है, ये अपने यहाँ तो नहीं है, अपने यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये हैट काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रही हैं इस पर। और इधर यहाँ पे ये चेयर है बैठने के लिए, और ये चेयर बिल्कुल जंगल वाली थीम में है, ये चेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर यहाँ पे पूरा नेचुरल रखा गया है, जो नीचे पूरा फ्लोरिंग की गई है ये बिल्कुल नेचुरल टाइप में की गई है, मतलब वुड यूज़ की है और कंक्रीट का तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को। और ये यहाँ पे डिस्प्ले में एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा हुआ है। और इधर की साइड से जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, और इधर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह होंगी, और ये शॉप्स जो है अफ्रीकन थीम वाली है, ये अपने जू में ही मैंने एक दो लगा रखी हैं। और वैसे यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है इसके ऊपर अलग से, तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और गल्पी सोडा यहाँ पे लगा हुआ है, गल्पी सोडा सबसे ज़्यादा चलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप है अपने जू में। और इधर की साइड ये तो कोई डोनट्स वगैरह का लगा हुआ है, और पहले जो है यहाँ पे खाने पीने का लगा दिया एंट्री करते ही। उसके बाद यहाँ से जो है आगे जाने का रास्ता है, और इधर की साइड एक और वॉशरूम है। और भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, बट इतने सही रास्ते बनाए हुए हैं कि भीड़ इजीली मैनेज हो रही है। और यहाँ पे तो ये काफ़ी सही लगाया हुआ है रेस्टोरेंट के यहाँ पे बैठने के लिए, ये वाली थीम काफ़ी अच्छी लग रही है, ये अपने मैं डेजर्ट वाले जू में यूज़ कर सकता हूँ। और इधर गल्पी सोडा है, इधर कुछ खाने का है, ये मोमेंटो वाला ये है और कुछ खाने का ही मिल रहा है इस पर। और इधर की साइड ये दीवार पर क्या सही पेंटिंग वगैरह कर रखी है। यहाँ पे ये बंदर बना रखा है, गोरिल्ला बना रखा है, बंदर ही लग रहा है। एक और वॉशरूम है, वॉशरूम्स का काफ़ी ध्यान रखा गया है, मैंने अपने यहाँ पे वॉशरूम्स काफ़ी कम लगाए थे। और नीचे उतर के यहाँ से इधर ये पानी का बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक बोट भी खड़ी हुई है, और ये कीपर यहाँ पे आया हुआ है, मतलब ये किसी का हैबिटेट है। और इतना सही हैबिटेट है, हैबिटेट के अंदर बोट भी है, और ये हैबिटेट है हिप्पो का। और हिप्पो यहाँ पे एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो हिप्पो है, और हिप्पो के लिए मड़का ही बना रखा है। और ये मड़ में क्या मस्ती कर रहा है आराम से, और ये भी जो है अफ्रीकन थीम वाला मड़ वाला इसके लिए जो है शेल्टर बना रखा है। और दो हिप्पो है यहाँ पे तो सही इंतजाम कर रखा है हिप्पो के लिए, और ये भी हिप्पो के हैबिटेट के अंदर ही आता है। यहाँ भी बोट छोड़ रखी है, और ये बोट जो है पुरानी होंगी ऐसी, जो है ऐसा शॉपीज छोड़ रखी है, ये पड़ी हुई भी ऐसी है क्योंकि हैबिटेट के अंदर कोई बोटिंग करने आएगा नहीं। और इधर से शायद ये गेस्ट यहाँ से आके देख सकते हैं हिप्पो को पास से। और इसकी एंट्री कहाँ से, एक बार मैं देखूँ इसकी एंट्री, ये ऊपर तो इसमें शॉप है, इधर वॉशरूम है, वॉशरूम तो भर भर के लगाए हुए हैं, हर मोड़ पे वॉशरूम है। और यहाँ से नीचे से रास्ता होगा, तो सोलर पैनल्स यहाँ पे इसके अंदर लगाए हुए हैं छुपा के, ये सही तरीका है। मुझे काफ़ी दिक्कत होती है अपने जू में, जब मैंने ये ओपन में लगाए तो काफ़ी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और रेटिंग ख़राब होती है, ऐसे छुपा के लगाओ तो ठीक है, दिखता भी नहीं है किसी को। और ये भी एक हैबिटेट है, और इधर की साइड तो कोई आ नहीं रहा, इधर पानी नीचे जा रहा है। और ये यहाँ पे एक और यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का छुपा के लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक सोलर पैनल भी छुपा के लगाया हुआ है। और इधर ये जो है ये स्टाफ रूम है,
स्टाफ रूम भी छुपा के लगाया हुआ है, और स्टाफ रूम के यहाँ पे सही खड़े होने की जगह है, इधर पानी का व्यू भी दिख रहा है। और ये वाला हैबिटेट देख लो, ये वाला हैबिटेट किसका है, ये वाला हैबिटेट है बोनोबो का। और बोनोबो के लिए कितना सारा खाना डाल रखा है, सारे सारे फ्रूट्स ही हैं यहाँ पे जो है। मेरे को ये तरबूज दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, कैरेट है, और ये नीचे कुछ इसके लिए नहीं क्या मूंगफली के दाने वगैरह डाले हुए हैं, और बोनोबो के लिए सही इंतजाम कर रखा है। और दो नहीं है ये तो काफी सारे हैं, मुझे यहाँ पे एक ही दिखा, बट ये एक ही नहीं है, ये तो काफी सारे हैं। दो यहाँ पे है, एक येरा और एक येरा, एक येरा पांच छह हैं। और इनके हैबिटेट में ये ऊपर क्लाइंबिंग के लिए बनाया हुआ है और इधर की साइड, तो इनका शेल्टर इसी में है, येरा शेल्टर अलग से नहीं बना रखा, शेल्टर इसी में लगा हुआ है। और उसके साथ में यहाँ से ये जो है फैसिलिटीज लगाने के लिए लगाया हुआ है। इधर ये क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ पे जो है कुछ और फैसिलिटी लगेगी, जैसे यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है वाटर फिल्टर का, ऐसी जो है यहाँ पे लगेगा। और ये छुपाने के लिए हट बनाई हुई है, ये काफ़ी सही टेक्निक यूज़ कर रखी है। और यहाँ पे जो है ये स्टाफ ओनली रास्ता है, तो यहाँ पे नॉर्मल गेस्ट नहीं आ सकते। और एक रास्ता नीचे उतरने के लिए, नीचे उतर के एक और हैबिटेट में जा रहा है, और ये भी स्टाफ ओनली है, और ये तो इस वाले हैबिटेट में ही आ रहा है, हिप्पो वाले में। और अब जरा ऊपर आगे चल के देखता हूँ और क्या क्या है। इधर की साइड से एक ब्रिज है, और यहाँ तक सारा सारा रास्ता स्टाफ ओनली है। यहाँ पे जो है स्टाफ ओनली रास्ते में ये कीपर हट है, और इसके साथ में स्टाफ रूम है जहाँ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और इधर की साइड ऊपर यहाँ से जो है ये रास्ता नॉर्मल हो गया, इधर से आगे सिर्फ अपने जो है वर्कर्स जा सकते हैं, नॉर्मल गेस्ट नहीं जा सकते। और ये रास्ता नॉर्मल गेस्ट के लिए है। और यहाँ पे कॉस्मिक काओ आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं दो दो, एक आइसक्रीम का है और एक मिल्क का है। और वॉशरूम यहाँ पे भी साथ में लगा रखा है। और इधर बड़े लोग खुश हो रहे हैं, यहाँ किसका हैबिटेट है, यहाँ पे अलग ही मस्ती चल रही है। और इसके अंदर तो है ओरंगटून, और ओरंगटून मैं कितने दिन से अपने जू में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं। और इस वाले जू में ओरंगटून है, और ये काफ़ी सही लग रहे हैं, और काफ़ी बड़े हैं, हैं तो ये भालू के साइज़ के, और ये सबसे बड़े मंकी होंगे, ये गोरिल्ला से भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये तो। इसके हैबिटेट में भी एक बोर्ड छोड़ रखी है शॉ पीस के लिए, और एक और ओरंगटून भी है, ये छोटा बच्चा है इनका शायद, ये भाग के ऊपर गया। और एक और काफ़ी छोटा भी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा सीधा सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल मासूम सा है एकदम। ये ऊपर जो है इनका यहाँ पे रुकने की जगह होगी, मतलब इनका शेल्टर है, और इनका चढ़ने के लिए यहाँ पे ब्रिज वगैरह बना रखे हैं। और एक शेल्टर ये है सही, यहाँ पे बेडिंग वगैरह लगा रखी है। और ओरंगटून काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे मिले ही नहीं, मैंने खूब ट्राई कर लिया और अभी तक तो मिले नहीं, आगे जाके मिल जाने चाहिए। और यहाँ पे वैसे ये क्या है, ये स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर्स भी काफ़ी सही हैं, तो स्पीकर से भी सही अनाउंसमेंट होती रहती है, जू में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी हो वो स्पीकर से अनाउंस कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए थे, एक स्पीकर तो ये रहा, और मैंने कैमरे भी देखे थे, कैमरे इधर तो नहीं है। और ये लाइटें हैं, लाइटें भी काफ़ी अच्छी हैं, बिल्कुल क्लीन लुक दे रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे तो ये सेंटर वाला एरिया है, इधर जो है यहाँ पे ये स्नैक्स वगैरह रखने की जगह है, इसमें क्या रखा हुआ है, ये तो कोई लेडी बग टाइप की सी है, कहाँ है, दिख तो कहीं नहीं रही, ये है क्या, नहीं इतनी छोटी सी इसमें कैसे दिखेगी, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं इसमें कुछ भी, नहीं इसमें तो नहीं दिखा, इसके साथ में कोई और है क्या, एक ही लगाया हुआ है बीच में, तो सही किया इन्होंने एक ही लगाया हुआ है, क्योंकि स्नैक्स वगैरह ज़्यादा रखने से प्रोटेस्ट वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इधर ये धुआं किस लिए उठ रहा है, तंदूर लगाया हुआ है बीच में, ये तंदूर किस चीज़ के लिए लगा रखा है, तो इधर ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगा रखा होगा, क्योंकि शायद यहाँ पे थोड़ी ठंड होती होगी, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे तंदूर लगा रखा है। और इधर गुलपी सोडा है, इधर जो है मोमेंटो का है, शॉप्स तो भरपूर लगा रखी हैं, ताकि जो है इनकम सही आती रहे, यहाँ पे जो भी आए वो शॉपिंग वगैरह करता रहे। और कुछ शॉप्स खाली पड़ी हैं, मतलब एक भी विजिटर नहीं है, जैसे ये बेचारा खाली मुँह लटका के खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं आ गया चलते पास, एक दे दे इसको सामान, मुँह लटका के खड़ा हुआ था। और कुछ शॉप्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। और अब जो है और एनिमल्स देखता हूँ कौन कौन से हैं जू के अंदर, तो इस जू में ज़्यादा एनिमल तो है नहीं, बट इस वाले में देख लेता हूँ ये वाला हैबिटेट कौन सा है, इसमें भी कोई एनिमल है, और ये लेमार है, तो ये जो है ना स्पेशली जो है मंकी वाली कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे सारे ओरंगटून, चिंपैंजी, बोनोबो, मतलब मंकियों का मेनली स्पेशल जू है ये। और इधर जो है ये लेमार है, ये भी जो है मंकी की कैटेगरी में आता है, ये इनका छोटा सा बच्चा है। और दो हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे रखे हुए हैं मतलब। और इधर की साइड ये रेड लेमार हैं, वो वाइट वाले थे, और ये रेड है, और ये भी जो है पांच छह हैं इसके अंदर,
सही है, ये इसीलिए जू ऐसी लोकेशन पे बनाया हुआ है, मतलब चारों तरफ पानी है और बीच में आइलैंड पे जू बना रखा है, क्योंकि मंकीज के लिए इसी तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर बाई चांस इन हैबिटेट से मंकीज बाहर निकल भी जाएं तो इस आइलैंड से कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो पानी है। वैसे जो है इन हैबिटेट से ही बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जू काफी टाइम से चल रहा है और स्पेशली जो है यहाँ पे कुछ इशू नहीं हुआ है। और इनका खाना आ गया, ये खाना आया ओरंगटून्स के लिए। ओरंगटून्स के लिए तो कोई ये पता नहीं अलग तरह का खाना है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ डिफरेंट सा ही लग रहा है, जैसे पम्पकिन के सीड्स वगैरह हो ऐसा कुछ है। हैबिटेट्स को ना काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मतलब ऊंचा नीचा जैसा एनिमल्स को नॉर्मली चाहिए होता है। फ्लैट सरफेस कम ही पसंद होता है एनिमल्स को, जैसे ये नीचे से इतना ऊपर आता है और फिर यहाँ पे शेल्टर बना रखे हैं। यहाँ पे लेमार एक सो भी रहा है ये रहा, और इसके ऊपर भी जो है चढ़ने के लिए है, मतलब छत भी है और चढ़ने के लिए भी है। इधर इनका खाने का है, इधर ये आराम से घूम रहे हैं। और सारी सारी जो बाउंड्री कर रखी है वो ये बंद वाली कर रखी है, मतलब इन्हें बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा विजिटर्स को देख के घबराते नहीं है और नॉर्मली जो है रह पाते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, क्योंकि इन्हें अगर ज़्यादा यहाँ पे इंसान दिखेंगे तो ये घबरा जाते हैं। और इससे फ़ायदा ये है कि इससे इन्हें ज़्यादा इंसान दिख नहीं रहे। और एक यहाँ पे हैबिटेट ये वाला भी है, ये इसमें शायद मंकी है क्या है, तो ये वाला हैबिटेट है मैंड्रिल्स का। और एक मैंड्रिल ऊपर चढ़ा हुआ है और एक मैंड्रिल ये रहा, और एक इनका छोटा बच्चा भी है शायद। अबे रुक जा, कहाँ भाग गया, ये रहा इन मैंड्रिल्स का बच्चा। और ये कैसा लग रहा है, थोड़ा डरावना सा क्यों लग रहा है, इसकी आंखें कैसी हैं। और ये छोटे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट लगते हैं, बड़े होके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और इसकी आंखें तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज है, नीचे से फटाफट भाग के ऊपर आ गया। और यहाँ पे कोई म्यूजिक बजा रहा है, कौन है जो म्यूजिक बजा रहा है यहाँ पे, ओह ये मैंड्रिल इस पे म्यूजिक बजा रहा है, आ जा एक बार फिर से आके बजा। और इसने हाथ में क्या ले रखा है, ये अच्छा तो ये इनका खेलने के लिए है। और ये वैसे वेट टाइप का सा लग रहा है, इसे भी अपनी थोड़ी सी बॉडी वोडी बनानी होगी, बाइसेप्स वगैरह की एक्सरसाइज कर रहा होगा। और हक क्यों दिया एक्सरसाइज करते करते, अब इतना वेट क्यों उठा रहा है, जब उठाना बस की नहीं है, वेट उठाए चक्कर में इसने हग ही दिया है यहाँ पे, तो वेट मत उठा थोड़ा सा। और ये एक बार इसका थोड़ा वेट करता हूँ, ये एक दूसरे वाला था वो यहाँ म्यूजिक बजा रहा था काफ़ी बढ़िया, तो मतलब मंकीज को म्यूजिक का भी जो है काफ़ी सही आइडिया है। अब नहीं आएगा, थोड़े से पहले म्यूजिक बजा रहा था। और अभी इनका खाना तो आ गया और ये साफ सफाई यहाँ चल रही है, और तीन चार हैं इसके अंदर, तो ये जू तो काफ़ी ज़्यादा सही है। जिसको सिर्फ मंकीज वगैरह देखने हो वो इस जू में आके देख सकता है, काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। यहाँ पे मंकीज़ का सारा है, मतलब बोनोबी भी है, चिंपैंजी भी है, मैंड्रिल है, ओरंगुटून है, लेमार है, जितनी मंकीज की कैटेगरी होती है सारे के सारे ही हैं। और ये खाना खाने में लग गए, अभी तो आएगा नहीं म्यूजिक बजाने के लिए। तो ये भी इनका खाने का ही कोई टावर टाइप का लगाया हुआ है, इसमें जो है खाना है इनका, तो यहाँ पर भी खाना आ गया। और ये यहाँ पर पूरी फैमिली होगी, एक मेल मैंड्रिल है, एक फीमेल है और एक इनका बच्चा है। और भाग गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज है। और इधर यहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है, ये फ्लावर्स वगैरह बहुत सही लग रहे हैं देखने में। और इधर तो ये स्टार्टिंग वाली शॉप्स है, तो ये जू तो जो है काफ़ी सही है, छोटे में बनाया हुआ है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। और वैसे मैं ज़्यादातर इसके सारे के सारे हैबिटेट विजिट कर ही लिए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई हैबिटेट रहा है। इधर ओरंगटून का हो गया, इधर की साइड ये वाला भी देख ही लिया, इसमें कौन था वैसे, इसमें बोनोबो था, हाँ बोनोबो देख लिया यहाँ पे। वैसे एक चीज़ लगे, वैसे ये जू सारा का सारा मंकी वाला है बट यहाँ पे हिप्पो रखे हुए हैं बस एक्स्ट्रा, जो मंकी कैटेगरी में नहीं आते, तो हिप्पो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा है। हो सकता है अभी ये जू थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा हो और यहाँ पे बाद में और भी एनिमल लाने के इनके प्लान हो। अभी तो वैसे मुझे खाली ये मंकीज का ही लगा, बस एक हिप्पो को छोड़ के, हिप्पो है यहाँ पे एक्स्ट्रा। और हिप्पो के साथ में वैसे ये भी कोई हैबिटेट है क्या नीचे की तरफ, ये तो कोई हैबिटेट नहीं लग रहा मुझे, ये तो जो है ऊपर जो प्लेटफॉर्म बना रखा है उसके नीचे के पिलर्स हैं, इधर तो कोई हैबिटेट नहीं है, इधर तो खाली कीपर्स का आने का है। और सही बिल्कुल एकदम छुपा के लगाया हुआ है, कीपर्स का नीचे है दिखेगा भी नहीं, और ऊपर जो है अपने विजिटर सारे घूम सकते हैं। तो ये जू काफ़ी सही है, इससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई कि जू में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है और कैसे जो है कुछ चीज़ों को छुपाना है विजिटर से, और ज़्यादातर चीज़ें क्या लगानी है। और ये जो है पब्लिक वॉशरूम से भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और शॉप्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है ताकि जो है ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। और बाकी जो है इस तरह का ही जू में मैं कुछ करूँगा अपने डायरेक्ट वाले में, मतलब प्लेटफॉर्म बना के कुछ जगहों से ऊपर से लेके जाऊँगा और नीचे जो है अपने स्टाफ की फैसिलिटीज बना दूंगा, और हैबिटेट इस तरीके के बनाऊँगा कि जो है ऊपर से जैसे यहाँ पे ये अपने विजिटर्स खड़े होकर देख पा रहे हैं ईजिली, पूरा का पूरा हैबिटेट दिख रहा है, और ऐसा कुछ बनाऊँगा। और ये बजा रहा है कीबोर्ड म्यूजिकल, सारे के सारे मंकी ही बजा लेते हैं। और ये कौन से ध्यान की पोजीशन लगा रहा है ऐसे योगा की, ओ भाई
तो ये तो ध्यान लगा के बैठ गया मेरे ख्याल से, अभी म्यूजिक नहीं बजाएगा, अभी ध्यान लगा रहा है, मेडिटेशन कर चल रही है इसकी। चलो ठीक है, इसे मेडिटेट करने देते हैं और बाकी सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो इस जू से जो काफी सारी चीजें देख के समझ में आई है, उनसे अपने डाइट वाले जू को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अब डाइट वाले जू में जो है काफी अच्छे तरीके से काम स्टार्ट करूंगा मैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।